नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। माफी मांगने से इनकार किया हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने, कहा सतपाल जैन के खिलाफ नहीं, मुख्यमंत्री पर की थी टिप्पणी। महेश्वर के बाद कुल्लू से भाजपा नेता धर्मवीर धामी ने छोड़ी पार्टी, कहा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा मान सम्मान। जेवीटी प्रशिक्षु करेंगे आमरण अनशन, क्रमिक भूख हड़ताल के बाद किया ऐलान, कहा सरकार नहीं ले रही कोई सुध। और रिवालसर में जारी है कॉलेज की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल, किसान सभा ने कहा कॉलेज न मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी सतपाल जैन से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। महेश्वर सिंह का कहना है कि उन्होंने वकीलों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री धूमल से प्रश्न पूछे हैं, ना कि सतपाल जैन से, इसलिए वे इस मुद्दे पर कोई माफी नहीं मांगेंगे। हिमाचल सरकार द्वारा की गई वकीलों की नियुक्तियों पर सवाल उठाने वाले हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह अब खुद सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने जब 18 अतिरिक्त वकीलों की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाए तो इससे पूर्व भाजपा प्रभारी सतपाल जैन भड़क उठे और उन्होंने इस मामले को लेकर नोटिस भेजने का निर्णय ले लिया है। सतपाल जैन ने उनकी योग्यता पर लगाए जा रहे प्रश्न चिन्हों के चलते यह निर्णय लिया है, लेकिन महेश्वर सिंह का कहना है कि उन्होंने किसी की भी काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। महेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में करीब 8,000 अधिवक्ता मौजूद हैं और इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में ही यह सब मौजूद हैं तो अतिरिक्त नियुक्तियां किस बात को लेकर की जा रही हैं। महेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी सूरत में इस बात को लेकर माफी नहीं मांगने वाले हैं। जब उन्होंने अधिवक्ता सेलेक्ट किए होंगे, खासकर एडवोकेट जनरल के लिए, एक एडवोकेट जनरल, 8 डिप्टी एडिशनल एडवोकेट जनरल और 8 ही जो है डिप्टी एडवोकेट जनरल, अर्थात 17 लोग इस कार्य के लिए उन्होंने निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी पात्रता और विश्वसनीयता सब चीज़ों को देखकर किया होगा। और इसके अतिरिक्त 8,000 यहाँ बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, वे सब अधिवक्ता हैं, रिटायर्ड जजिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस, वो सब उपलब्ध हैं। तो हमने कहा कि जब हिमाचल में आपके विश्वास पात्र है तो ये अतिरिक्त नियुक्तियों की क्यों आवश्यकता पड़ी जिन पर इतना खर्च हो रहा है। पाप किया, इसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी अगर लोगों के हित में काटनी होगी उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात को लेकर क्षमा मांगने का प्रश्न ही उत्पन्न। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनविंदर सिंह अरोड़ा की रिपोर्ट। चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में महेश्वर सिंह ने पार्टी को अलविदा बोलकर भाजपा को आफत में डाला तो अब कुल्लू से ही भाजपा नेता धर्मवीर धामी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। कुल्लू में उन्होंने ऐलान किया कि अब वह उस राजनीतिक दल में जाएंगे जिसके लिए कार्यकर्ता कहेंगे। पहले कांग्रेस, फिर बसपा, फिर भाजपा, अब इसके बाद शायद हिलोपा। कुल्लू से भाजपा नेता धर्मवीर धामी के लिए अब यही विकल्प खुला हुआ है। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद जब मीडिया ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ साफ जवाब नहीं दिया, कहा विकल्प काफी है पर जाएंगे वहीं जहां कार्यकर्ता कहेंगे। पार्टियों की ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन निर्णय वही होगा जो कार्यकर्ता कहेंगे। धर्मवीर धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को अलविदा तो कहा ही, पर साथ ही भाजपा पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी छोड़ने का तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों में कभी उन्हें पार्टी का कार्यकर्ता समझा ही नहीं गया। जो कार्यकर्ता जिनकी वजह से मैं हूँ उनमें तकरीबन 99.9% कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कहीं समझ नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गांव के लेवल पर थे उन्होंने मेरे कार्यकर्ताओं को पहले दिन से माना ही नहीं।
बहरहाल अब देखना यह होगा कि कुल्लू से कद्दावर नेता माने जाने वाले धर्मवीर धामी क्या दूसरे कद्दावर का हाथ थामेंगे या फिर दोबारा से किसी पुराने दल में वापसी करेंगे। कुल्लू से के न्यूज के लिए मनविंदर सिंह अरोड़ा की रिपोर्ट। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपने संघर्ष को और अधिक तेज करके अमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ का कहना है कि वे बीते 16 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार भी उनके पास आकर या उन्हें बुलाकर उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने की हामी नहीं भरी है, जिससे आहत होकर अब जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ ने अमरण अनशन की ठान ली है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि शीघ्र अति शीघ्र ही टैट की शर्त को हटाकर इन्हें नौकरी दी जाए। आज हम अपने मांग को लेकर जो हैं अनशन पर बैठे हुए 16 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांग को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे ऊपर टैट की शर्त थोपी जा रही है, ये हमारे ऊपर बिल्कुल गलत तरीके से थोपी जा रही है। सबसे पहले तो इसको हटाया जाए, उसके बाद हमें जो है नियुक्ति दी जाए। सरकार ने हमें नियुक्ति के लिए जो है कम से कम 20 महीने से लगातार आश्वासन देती आ रही है, लेकिन उसके लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और सरकार जो है अपनी गलत नीतियों के कारण हमें जो है गुमराह कर रही है, और जबरन जो है कभी कोर्ट का निर्देश और कभी RTE का हवाला दे के हम पर डैट थोप रही है, जो कि कानून के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है। विनय में पत्र 2001 और RTE की सेक्शन 23(2) के आधार पर जो हमें प्रदेश सरकार टैट में छूट दे सकती है और हमारी जो है नियुक्ति कर सकती है, लेकिन सरकार ने इसके विषय में हमारे लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास आया है। इसके लिए सरकार के प्रति हमारा रोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार ने शीघ्र ही हमारी मांग नहीं मानी तो हमारा रोष जो है ये और बढ़ेगा, और जून माह में जो है अमरण अनशन जो है शिमला में राज्य स्तरीय शुरू कर दिया जाएगा। रिवालसर में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू हो गई है। बीती 21 मई से शुरू हुई इस भूख हड़ताल में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भाग लेकर सरकार से रिवालसर में शीघ्र अतिशीघ्र डिग्री कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रिवालसर दौरे के दौरान जनता को कॉलेज की घोषणा का इंतजार था, जिसके बदले सिर्फ आश्वासन ही मिला। कई मरतबा ज्ञापन भेजने के बाद भी जब सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो अब जनता को मजबूरन भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। जो हमारा यह आंदोलन रिवालसर में डिग्री कॉलेज के लिए चल रहा है, इसकी इस कड़ी में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करी है, जो 21 मई इसको शुरू करी है हमने। ये भूख हड़ताल शुरू करने पर इसलिए मजबूर हुए कि पिछले 4 महीने से लगातार पहले हमने 20,000 सिग्नेचर्स दिए कॉलेज की डिमांड के लिए सारी यहां से 25 पंचायतों से इकट्ठे करके, उसके बाद 16 मार्च को यहां पर बहुत बड़ी रैली करी, उसके बाद 3 दिन उपवास रखा, फिर पंचायतों के रेजोल्यूशन अलग अलग पंचायतों से गए, मगर ये सरकार जो है बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। अभी एक उम्मीद थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री रिवर्सल में आए थे तो ये उम्मीद थी कि वो इस कॉलेज की घोषणा करेंगे, परंतु ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कॉलेज के रिवर्सल के लोगों से मजाक किया है, और इस कॉलेज को ना लेकर के ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र है झारखंडी का क्षेत्र जो है यहाँ के लोगों के साथ ये अन्याय किया है। ये भूख हड़ताल हमने जो शुरू करी है तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सरकार डिग्री कॉलेज की घोषणा नहीं करती है। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबांड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत।
और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुंचे। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें, टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूना पानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बुधवार को मंडी में जिला विकलांग संघ के साधारण अधिवेशन में वार्षिक लेखे जोखे का हिसाब सभी के समक्ष रखा गया और साथ ही आने वाले समय में संस्था को और ज्यादा मजबूत करने की योजना भी बनाई गई। अधिवेशन में जिला भर से आए विकलांगों ने भाग लिया। भूतनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुए विकलांग संघ के साधारण अधिवेशन में मांग उठाई गई कि विकलांगों को बैठने के लिए एक उचित स्थान उपलब्ध करवाया जाए। गौर रहे कि विकलांग संघ एक लंबे समय से जिला प्रशासन से उन्हें एक उचित स्थान दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, जो कि आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई है। विकलांग संघ ने जिला प्रशासन को सुझाव दिया है कि जिला कल्याण कार्यालय में खाली पड़े कमरों को विकलांगों को दिए जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीसी महोदय को ध्यान में लाना चाहूंगी कि वेलफेयर ऑफिस के बाहर एक जो छोटा लेंटर वाला एक दो कमरे का एक लेंटर जो पड़ा हुआ कमरा बना हुआ है वहाँ पे, वो भी खाली पड़े हैं, वहाँ पे ताला ही लगा हुआ है। अगर वो भी हमें दिया जाए तो हम उसका यूज कर सकते हैं और अपने विकलांगों के लिए वहाँ पे जो सिलाई का प्रशिक्षण या कुछ जो भी हम उनको रोजगार के साधन चलाना चाहे वो हम वहाँ पे चला सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा उपायुक्त महोदय इसको प्राथमिकता के आधार पर ले तो हमारा ये काम बन सकता है। विकलांग संघ के साथ कुछ ऐसे विकलांग भी जुड़े हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसे ही एक विकलांग बंधु हैं ध्यानुराम, जिन्होंने अपनी तमाम संपत्ति को सरकार के हवाले करने का ऐलान इसी साधारण अधिवेशन में किया। ये जो मेरी जो घर बार है, जो जमीन जगह है, क्यों मेरा कोई भी नहीं है, क्यों मेरे लिए इस विद्या की जहानी और करे जो विद्या की प्रधान है दोनों में। वहीं इस अधिवेशन में अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और विकलांगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल चुनाव क्षेत्र द्रंग की कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी द्रंग अल्पसंख्यक चुनाव सेल के अध्यक्ष अमीर सैन हुसैन ने मंडी में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि शुक्र दिन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम रसूल, शेर मोहम्मद, नूर अली को उपाध्यक्ष, रफी को प्रवक्ता, सत्तार मोहम्मद को महासचिव, यूसुफ बरकत अली और लियाकत अली को सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। तो
सब सदस्य जो है मिलजुल करके पूरी कंसिस्टेंसी में पार्टी का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, कौल सिंह जी के बहुत मजबूत करेंगे। वह जो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है उस सरकार में जो क्षेत्र में जो मुख्य विकास हुए हैं उन विकासों को उनकी चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनका प्रचार करेंगे। और जो वर्तमान सरकार के साथ 4 साल एक काला धब्बा के रूप में रहे हैं, जो इन्होंने विकास के काम ठप कर दिए हैं, इनकी जो नाकामियाँ हैं वो नाकामियाँ भी लोगों तक बताएंगे, लोगों को बताएंगे। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला है एक और छोर से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए, एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहां हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहां मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर, डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहां मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। मंडी शहर के जेल रोड में जेल के नजदीक रखा कूड़ादान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कूड़ेदान की हालत यह है कि इसमें कूड़ा कम और बाहर ज्यादा नजर आता है। जनता का आरोप है कि नगर परिषद सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वही पार्षद महोदय का कहना है कि वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस कूड़ादान को देखकर दो बातें ध्यान में आती हैं। एक ये कि नगर परिषद को स्वच्छ मंडी और स्वस्थ मंडी का नारा दिया किसने, और दूसरी ये कि क्या नगर परिषद इतनी गरीब हो चुकी है कि उनके पास कूड़ादान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। जेल रोड वार्ड के लोगों का आरोप है कि कूड़ेदान के पास रोज गंदगी का मंजर ही देखने को मिलता है और आवारा पशु कूड़े को चारों तरफ बिखेर कर रख देते हैं। यहाँ पर कूड़ेदान है जो कि काफी टाइम से फटा हुआ है, कूड़ा बाहर पड़ा रहता है, कोई इसकी कमेटी वाले इसके कोई भी आता नहीं है, सफाई नहीं करता कोई भी, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, यहाँ बहुत बदबू फैली होती है। और जब कोई कूड़ा फेंकने आता है तो उस वक्त यहाँ पे आवारा पशु बैठे होते हैं। मेरी कमेटी वालों से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और नया कूड़ेदान लगाया जाए। यहाँ हमारे इधर कूड़ेदान पे बहुत ही गंदगी फैल रखी है। ये नगर कमेटी वाले इस कूड़ेदान को ना चेंज करते हैं ना इसको
टाइम से उठाते हैं। कुछ आवारा सुअर ये गंदगी बाहर फैला देते हैं, जिससे आने जाने वालों को बहुत तंगी महसूस होती है। तो मेरी ये है कि इस कूड़ेदान को और यहाँ की वार्ड नंबर 3 की सफाई रेगुलर की जाए। यहाँ कुछ एक दो कमेटी के जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको यहाँ मौके पर बुलाया जाए और उनको यहाँ का हालात दिखाया जाए। मेरा नाम खुर्शी राम है जी, मैं जे रोड में 45 साल से रहता हूँ और नगर निगम जो है ना उसका जो कूड़ा दान है वो फटा हुआ है और लापरवाही है उनकी बहुत ज़्यादा, सफाई का ध्यान जो है कम है उनका। ऐसा रहा ना तो शहर में कूड़ा करकट जो है ना ऐसी स्थिति से पहुंच जाएगा, लोगों का आना जाना आराम हो जाएगा। जब इस बारे में जेल रोड वार्ड के पार्षद नारायण ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुराना कूड़ादान रिपेयर करने के लिए भेजा गया है और उसकी जगह पर इसे वैकल्पिक तौर पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि अब बड़े कूड़ादानों को ढक्कन लगाकर बंद करने की योजना बनाई जा रही है। जेल के पास जो डंपर है वो फटा हुआ है, लेकिन मैंने इसके लिए अपने नगर परिषद में बता दिया है और इसकी जगह पे जो दूसरा डंपर था वो रिपेयर के लिए गया हुआ है। जैसे ही वो रिपेयर करके आएगा वहाँ रख दिया जाए, कि हमेशा कूड़ा कचरा जो है आप अपना डंपर में ही डालें और इसके अलावा उसको बाहर में ना फेंकें। और जो बाहर जो कूड़ा बन रहा है वो एक पौधा बंदरों के हिसाब से बन रहा है, दूसरा वो सुअर आते हैं वो चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग एक नई तकनीक निकाल रहे हैं, इनको हम यह स्लाइड लगाएंगे ये ऊपर से बंद कर देंगे इन डंपरों को। इस बात में कोई शक नहीं कि शहर को साफ सुथरा रखने में यहाँ रहने वाले लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए, लेकिन इस बात में भी कोई शंका नहीं कि नगर परिषद को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर इस तरह की लापरवाहियों को बंद करना होगा, तभी शहर को साफ और स्वच्छ रखा जा सकेगा। के न्यूज के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। बीती रात साईगलू के साथ लगते नालसन गांव स्थित देवी जालपा मंदिर में प्रथम जागरण का आयोजन किया गया। जागरण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जागरण के अगले दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने ही बड़े श्रद्धा भाव से माता के प्रसाद को ग्रहण किया। लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से सभी गाँव वालों को सामूहिक तौर पर भाग लेने का मौका मिलता है। जागरण में स्थानीय गायक सूरज ने भजनों के माध्यम से माँ की महिमा का गुणगान किया। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।